दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के एक कॉमन प्रॉब्लम्स की, जो बहुत किसानों के साथ ऐसा हुआ कि उनके साथ ये प्रॉब्लम्स आ रही है। उनका फॉर्म को बैंक रिजेक्ट कर दे रहा है, उनका जो भी किस्त आता है उसमें एक आपको एरर शो करता है, फॉर्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड बाई PFMS और बैंक। मतलब कि यहाँ पर बैंक के द्वारा किसान का जो पैसा आता है उसको रिजेक्ट कर दिया जाए, तो ये क्यों आ रहा है कर रहा हूँ, इसका सलूशन क्या हो सकता है, मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर इस प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या होगा। तो आप बने रहे पीएम किसान सम्मान निधि योजना में, फॉर्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड बाई PFMS और बैंक, इसका सलूशन क्या होगा वो भी हम बताएंगे, और ये क्यों हो रहा है क्योंकि काफी किसानों के साथ हुआ है, तो ऐसा क्यों हो रहा है वो भी आज हम बताएंगे। तो बने इस वीडियो में लगातार, मैं हूं पवन छागड़ और आप देख रहे हैं अपने चैनल हेल्पफुल हिंदी। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। यहां पर आपको हेल्पफुल हिंदी चैनल पर लगातार गवर्नमेंट स्कीम्स CSC से रिलेटेड लगातार वीडियो मिलते रहते हैं। तो उससे पहले, अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में नहीं जानते हैं दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, मोदी सरकार ने किसानों के लिए लगभग 14.5 लाख करोड़ किसान ऑल इंडिया में है, उनको 6,000 रुपये प्रतिवर्ष देने का वादा किया है। और डायरेक्टली बैंक में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है और आपके अकाउंट में लगातार हर 4 महीने में 2,000 रुपये की किस्त आती रहेगी, और 4-4 महीने के अंतराल में आपको साल भर में 6,000 रुपये दे दिए जाएंगे। तो ये पहले कुछ कंडीशन थी कि कुछ किसानों के लिए था, लेकिन अब ऑल इंडिया, जितने भी किसान ऑल इंडिया में, सभी को है। हालांकि ये इसकी अब दिल्ली में भी लागू हो गई, अभी तक दिल्ली में लागू नहीं थी। तो अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, दिल्ली के किसान हैं, तो आप भी रजिस्ट्रेशन कर लें। और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका लिए मैंने फुल डिटेल आपको यहाँ पर बता रखा है, ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। ऑनलाइन इसमें आवेदन होता है, और आपको मैं बता दूं कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने सब कुछ बताया विद स्क्रीनशॉट, ओके। लेकिन जो आज का टॉपिक है वो हम बात करेंगे, तो उसके लिए आपको आना है यहाँ पर, जैसे आएंगे क्लिक हेयर फॉर नो योर स्टेटस, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको किसान का आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, तो चलो मैं किसान का आधार कार्ड नंबर एंटर कर लेता हूँ, मैं पहले से यहाँ पर एंटर करता हूँ। और गेट डेटा, आप आधार कार्ड भी डाल सकते हैं, अकाउंट नंबर डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर से डाल सकते हैं, लेकिन आप आधार कार्ड डालें, इससे सुटेबल डेटा आपको दिखाएगा। तो जैसे आप गेट डेटा पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इन किसान का पूरा डेटा ओपन होकर आ जाता है। दी फॉर्मर नेम क्या है, राम आशेरे, एंड मोबाइल नंबर इनका क्या है, आधार कार्ड नंबर क्या है, स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, सब कुछ आ जाता है। और यहाँ पर आता है एक्टिव इनएक्टिव, जो मेन इनका टारगेट होता है वो रजिस्ट्रेशन डेट दिखाता है, 22/2/2019 को इनका हुआ था, लेकिन अभी तक देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेशन कुछ भी नहीं दिखा रहा, सेकेंड भी नहीं, मतलब इनका कोई भी इंस्टॉलमेशन नहीं मिला है। क्यों, यहां पर देखिए PFMS एंड बैंक स्टेटस, फॉर्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड बाय PFMS या बैंक। इन्होंने कहा फॉर्मर का रिकॉर्ड रिजेक्ट कर दिया है, किसने, PFMS ने या बैंक ने। यहां पर रीजन भी दिया है क्यों किया गया, देखिए PFMS या बैंक रिजेक्शन रीजन, डाटा रिजेक्शन रीजन, रिजेक्टेड बाय बैंक, अकाउंट नंबर डज नॉट एग्जिस्ट इन बैंक। इनका रीजन ये था कि इनका अकाउंट, जो है अकाउंट नंबर दिया था रजिस्ट्रेशन के टाइम, इनका अकाउंट बैंक में ही एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन जो किसान है, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बोला नहीं, मेरा बैंक अकाउंट ही जनधन अकाउंट है दोस्तों। लेकिन उन्होंने कोई भी ट्रांजेक्शन अभी तक, जब से ओपन करवा लिया है तब से कोई भी लेन देन नहीं किया है, खाता डेड पड़ा है। तो यही कारण रहा कि अकाउंट इनका बैंक ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इन्होंने कोई लेन देन नहीं किया, KYC भी नहीं आया, इनके आधार कार्ड तो फिलहाल पहले से लगे हैं, लेकिन KYC अपडेट कराना जरूरी होता है। आप 3 महीने में कम से कम अपने अकाउंट को लेन देन कुछ करें, 100 रुपए डाल दें, 100 रुपए निकाल लें, या जाकर पासबुक प्रिंट करें, कुछ ना कुछ करना होता है, तभी आपका अकाउंट लगातार चालू होता है। तो इनका मेन रीजन ये रहा कि इन्होंने कोई एक्टिविटी नहीं की और इनका अकाउंट एज एक ब्लॉक, मतलब ब्लॉक हो गया समझो आप, तो इसी वजह से इनको रिजेक्ट कर दिया गया। और अगर हम बात करें, एक रीजन और हो सकता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इनके आधार कार्ड में नाम में, देखिए इनके नेम में ना आधार है राम आशरे, स्पेलिंग में ध्यान दीजिए, राम की स्पेलिंग सेम है, आशरे में एस के बाद ए यहाँ पर बना आधार कार्ड में, जबकि बैंक के जो पासबुक में नाम है वो राम में सही है, आशरे में एस के बाद ए नहीं बना है, ये एक डिफरेंस है ए का, यहाँ पर ए आधार कार्ड में बना है और जबकि बैंक में ए नहीं बना है, बैंक के जो नेम है। तो ये भी रीजन हो सकता है कि इनका फॉर्म इस वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। तो मैं आपसे, इसका सलूशन क्या होगा, अगर आप चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या हो, तो आप अपने बैंक जाएं, वहां पर अपने अकाउंट में 100-200 रुपए डालें
और KYC अपडेट करा दें। ठीक है, इसका मेन बस यही एक रीजन, आपको बैंक जाना पड़ेगा और वहां पर बताएं तो वो आपको बता देंगे क्यों मेरा अकाउंट आपका ब्लॉक है, तो आप 100-200 रुपए डाल दें और KYC अपडेट करा दें, आने वाले भविष्य में आपका पैसा आने लगेगा। ये इसका मेन सोल्यूशन था। अगर आपने अभी आधार कार्ड भी नहीं लगवाया था बैंक अकाउंट में तो आप उसे जरूर लगवा लें, क्योंकि आने वाले समय में अगर आपका आधार कार्ड नहीं लगा है तो आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, आप बैंक जाकर सारा चीज़ें जो मैंने बताया आप करवा लें, आपका पैसा आने लगेगा। तो प्लीज़ ये अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई हो, तो हमारे चैनल को आप जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, जो दोस्त किसान भाई इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अभी तक नहीं मिला था उनको मिल जाए और वो भी इस स्कीम का फ़ायदा ले सकें। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।